जोहार सभी को मशाल न्यूज के इस खास शो में खास बातें होंगी। मेरे बगल में जो हैं बहुत ही खास हैं, संथाली फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अच्छा काम किया है। आज जमशेदपुर में इनसे हमारी मुलाकात हो रही है। इनसे मुलाकात करने से पहले तारुफ करा दूं, परिचय करा दूं। मिरांडा दास असम से हैं और ये हैं असम से ही प्रियो हेमरम। तो जमशेदपुर के बारे में शुरुआत पूछते हैं आप लोगों से कि क्या एक्सपीरियंस आपका रहा, सबसे पहले आप बताइए। मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, कल रात को ही आए थे यहाँ पे, तो ना तो टाइम नहीं मिला यहाँ रहने का। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ी देर बाद घर, क्योंकि शूट हमारा हो चुका है, तो आके तो अच्छा ही लगा। जमशेदपुर के बारे में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं बता पा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाई है। चलिए अगली बार तब जब आएंगी तो जमशेदपुर घूमे, जमशेदपुर के बारे में और अच्छी तरह से जाने। प्रियो आप बताइए, आप तो बहुत घूमे हैं इधर, जो काम हुआ आपका डिमना लेक से लेकर कांड्रा के आगे जो जंगल की वादियों में आप लोगों ने शूट किया है, आपका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ जो म्यूजिक वीडियो, उसके बारे में आप ही बताएं। जी, ये जमशेदपुर ये मेरा सेकंड टाइम आना हुआ है। इससे पहले हम काटसिला आए थे, वहाँ पे एक म्यूजिक वीडियो शूट हुआ था। तो इस बार हम जो आए यहाँ पे, हम जो काम किए कांड्रा डिमना लेक और इधर आसपास पर कुछ जगह का नाम मुझे याद भी नहीं है। हाँ, रेस्टोरेंट में गए थे और उस जगह का नाम मुझे याद नहीं है आराम को। पर ये जो काम जो इस बार हम किया है म्यूजिक वीडियो, तो मैं बताना चाहूँगा ये मेरा पहला काम है सुरेंद्र टुडू के साथ, सुरेंद्र दा के साथ। तो बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ काम करके, उनके डायरेक्शन में काम करके। मेरा तो बहुत मतलब हम बोलते हैं कि बचपन से एक ड्रीम था कि सुरेंद्र दा के साथ काम करें, तो वो सपना आपका पूरा हुआ। हाँ अच्छा, आप थोड़े लाइफ में आप लोगों ने जो किया है अब तक उस पर जाते हैं। आपने जो सिल्वर स्क्रीन में आने का जो सपना था, किस तरह से हम आएंगे, तो कब इसकी शुरुआत हुई, आप मेरा ने बताइए पहले। जी, मुझे तो बचपन से ही बहुत अच्छा लगता था एक्टिंग ये सब में, मेरे को छोटे से इंटरेस्ट था, घर से भी मुझे सपोर्ट मिलता था बहुत। तो हम पहले वो राजमुख सॉन्ग किए थे, तो इनने और जो हमारे वहाँ है आसाम में रहमत भैया, वो इन दोनों ने मिल के हमको हेल्प किया बहुत, और सांथल इंडस्ट्री में मिला है, तो हम बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं इनको। और यहाँ के जो हम सांथल इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, अपना जैसे मानते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, इतना सपोर्ट करते हैं पब्लिक आपको, बहुत बहुत थैंक यू। अक्सर देखा जाता है कि जो स्टार्स होते हैं जवाब डिप्लोमेटिक ही आता है, चाहे कुछ भी हो इस तरीके से जवाब देना अच्छा भी रहता है आने वाले दिनों के लिए। खैर आपने सही कहा, जो भी कहा है सच कहा। अब असम से हैं, आपकी जो मातृभाषा है असमिया होगी या राजवंशी है, तो संताली लैंग्वेज भी आती है क्या? जी हम सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो आता है अभी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। अच्छा, तो मतलब क्या कहते हैं सानिध्य में रह रहे के धीरे धीरे आगे आ भी गया, एक्टिंग भी आ रही है, इसके बाद लैंग्वेज की जानकारी भी है ना। तो शुरुआत करके बचपन से आपने मतलब किसको फॉलो कर रही थी, कौन आर्टिस्ट ऐसे, कौन स्टार्स? जी हम ऐसे तो सब वो बॉलीवुड मूवीज तो देखते ही है, भी जो इंस्पायर हुए हैं वो हम दीपिका पादुकोण से हुए हैं, हमको वो बहुत अच्छी लगती है, उनकी जो एक्टिंग स्किल्स है वो बहुत यूनिक लगते हैं हमको बहुत। मतलब कोई ना कोई होगा ही आपका आपका भी रोल मॉडल, आपने जिसको देख के सोचा कि अभिनय के क्षेत्र में भी आया जाए। मैं जैसे कि जब बचपन में जब फिल्में देखते थे तो उसमें जो भी अच्छा रोल होता था तो हमको लगता था कि मतलब काश उसमें जो लोग एक्टर सब डायलॉग बोलते थे, तो हमको लगता था कि काश वो डायलॉग मेरा होता और मैं बोलता। तो ऐसे तो मेरा मैं मतलब मुझे अक्षय कुमार बहुत पसंद है, मैं उनको देख उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, और उनसे मतलब उनकी एक्टिंग से उनकी फिल्मों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब अक्षय कुमार होंगे तो स्टंट करने की भी तमन्ना है जी। उछल कूद खिलाड़ी खिलाड़ी नंबर वन, अभी तक वैसा फिल्म या फिर ऐसा काम तो मिला नहीं है, पर मुझे वैसा फिल्म बहुत पसंद है और मैं वैसा करना भी बहुत पसंद करता हूँ, मुझे मतलब शौक है वैसा करना। अच्छा, असम में फिल्म इंडस्ट्री की अभी हालत क्या है, क्या असम में जो है वहाँ पे एक बड़ा इंडस्ट्री जो अगर हम कहें तो वो एक एसएमएस फिल्म इंडस्ट्री है, तो ये और एसएमएस इंडस्ट्री के अलावा वहाँ पे और भी बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में काम होता है,
जैसे कि असमिस रहा, बंगाली भी होता है, फिर बोडो, राभा, फिर मणिपुरी, मतलब कई लैंग्वेजेस वहाँ से, हाँ कई ट्राइबल लैंग्वेजेस है जो वहाँ पे काम होता है। तो और एक तो संथाली भी हुआ वहाँ पे हम लोग, ये संथाली पहले ज़्यादा मतलब ज़्यादा उतना होता नहीं था पहले, तो अभी हम शुरू किए हैं, अभी काम बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब सरकार का किस तरह का रिस्पॉन्स है सर? देखिए वहाँ पे जो है तो हम दूसरा रीजनल लैंग्वेज में है तो उन लोगों को सपोर्ट मिलता है, उतना नहीं मतलब थोड़ा बहुत सरकार का सपोर्ट मिलता है, लेकिन अभी तक हम ये कह सकते हैं सरकार को ये पता है भी या नहीं कि वहाँ पे संथाली गाने का मतलब संथाली लैंग्वेज में काम होता है बोल के। अब तक कितने वीडियोस में आपने काम किया, म्यूजिक एल्बम हो चाहे शॉर्ट फिल्में फिल्में हैं? वैसे तो बोल नहीं सकते कितने म्यूजिक वीडियोस में काम किया, अनगिनत अनगिनत नहीं मतलब अगर काउंट करें तो हम काउंट कर सकते हैं, पर अभी इस वक्त हमको याद नहीं। अच्छा, खैर आगे ये फेहरिस्त बहुत लंबी होती चली जाए, हमारी दुआएं हैं, और ख़ासकर मिरांडा के लिए भी बहुत खूबसूरत हो और आने वाले दिनों में अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिले। ये इसका जो टाइटल है दिया गया है गाने में तो बार बार वो आ रहा था, क्या वो वर्ड आ रहा था, उसका मीनिंग भी क्या है ज़रा सा बताएं? गजल। गजल गजल। अच्छा, तो इसका क्या मीनिंग है? एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन नहीं उसका जो वो क्या कहा जाए उसको, इसके बारे में एक हमको लगा कि वो जो वीडियो है आपका ये प्रेम त्रिकोण पर लग रहा है हमको, है ना? इसमें एक बहुत बड़े स्टोरी है इस म्यूजिक वीडियो के अंदर में, जो वहाँ पर तीन आर्टिस्ट है और आप कहते तो त्रिकोण लव स्टोरी है। तो एक हम डिटेल्स में तो बताना नहीं चाहेंगे, नहीं नहीं वो चाहिए भी नहीं, सस्पेंस बना रहे ताकि हमारे व्यूअर्स जो है वो आए वो देखें, जब भी वो अब ये बनकर सामने आए तो लोग आए और देखें उसका लुत्फ उठाएं जो भी हो। लेकिन उसमें जो स्टोरी है और उसमें जो मेरा जो किरदार था मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा, काम बहुत अच्छा हुआ है और हमें ये आशा भी है कि जब ये गाना रिलीज होगा तो पब्लिक भी लोग भी बहुत पसंद करेंगे। अब थोड़ा सा अपील भी कर दीजिए असमिया में और संथाली दोनों भाषाओं में। हाल ही रह गए अलग मिटंग संथाली एल्बम शूट हुई करना जहाँ ना जितुम हुई करना गेजन, तो उन्होंने इन और इन सलाह रितिका मुर्मू और प्रांजलि साहू किन कमी है का, तो कमी अभी बहस हुई करना आप जो तो तंगेरे तहन पे नियर पे और आसिन दो आप जो तो बहस पे बुझे असमिया में दो लफ्स इनको असमिया में बोलिए। नूतन वीडियो एल्बम लाइस ইয়ার বেলেগ আছে মোর বেলেগ হয়, আমি বেলেগ বেলেগ ঠাইত শুট করছো, তো আশা করছো সকলকে ভাল লাগিব বলে। বাহ ক্যা বাত হ্যায়, আব এক অর অপিল করনি হোগি আপ লোগোন কো মশাল নিউজ কে বারে মে, কি মশাল নিউজ কো জ্যাদা সে লোগ দেখে প্যার দে। জি আপ লোগ জরুর দেখিয়েগা, মাই ভি সবকো ইয়ে রিকোয়েস্ট করতা হুম কি আপ সব লোগ ইয়ে মশাল নিউজ দেখে, অর স্যার জো হ্যায় ইয়ে মাই ইনকো ভি থ্যাঙ্ক ইউ দেনা কেনা চাহতা হুম কিউকি আপ লোগোন কে সাথ এক বন্ড এক बोल सकते हैं। तो आप सब लोग इस चैनल को देखिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और ये खास मौका रहा, असम से आए हमारे दोस्त, ये स्टार हैं संताली फिल्म जगत के और यहाँ झारखंड में एक म्यूजिक वीडियो की शूट हुई, काम पूरा हुआ, मौका मिला बात करने का तो हमने बात कर ली। आप लोगों के लिए ये वीडियो जरूर देखें और इस वीडियो को प्यार दें, मशाल न्यूज को प्यार दें और गेजल गेजल को प्यार दें, सबको प्यार दें और प्यार इसी तरह बना रहे आप लोगों का और हमेशा इसी तरह से लगे रहें आप लोग हमारे लिए भी, हम आपके लिए लगे रहेंगे, इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस भी लाते रहेंगे। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।